आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर 7 का एग्जांपल नंबर 22 डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अगेन वर्ड में जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं उनका इस्तेमाल करके हम उससे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। और अगर उन वर्ड्स को अगर हम डिक्शनरी की फॉर्म में अगर अरेंज करें तो उसके सबसे 50th वर्ड हमारा क्या आएगा। चलिए इसमें सबसे पहले इसका पार्ट वन डिस्कस करते हैं। मेरे पास वर्ड दिया अगेन। अगेन में टोटल लेटर कितने, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसमें से भी मेरे पास ए कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए इसको लिखते हैं टोटल लेटर्स इक्वल्स टू हमारे पास 5 है, ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स आ रहा है, तो टोटल वर्ड्स हम इससे कितने बना सकते हैं, टोटल वर्ड्स फॉर्म इक्वल्स टू टोटल लेटर मेरे पास है 5, मीन्स 5 फैक्टोरियल। कितने लेटर मेरे पास रिपीट हो रहे हैं, 2 लेटर रिपीट हो रहे हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल मीन्स 120, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, आंसर विल बी 60 वर्ड्स। यानी इस अगेन वर्ड में जितने भी लेटर यूज हो रहे हैं उनका अगर सभी का इस्तेमाल करेंगे और उनको शफल करते हुए हम वर्ड्स बनाएंगे, चाहे वो मीनिंगफुल हो चाहे मीनिंगलेस हो, तो उससे हमारे पास टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक वर्ड है अगेन। ठीक है, तो इस अगेन वर्ड्स में जितने भी लेटर यूज हुए उन सभी का इस्तेमाल करके हमें वर्ड्स बनाने हैं, वेदर दे आर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। अगर उन वर्ड्स को अगर अरेंज करो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और यू कैन से इन द डिक्शनरी वे, तो 50th वर्ड क्या होगा तुम्हारा। इन लेटर्स को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के तुमसे वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे डिक्शनरी में लगे होते हैं ना, पहले ए से स्टार्ट होते हैं, फिर बी के आते हैं, फिर सी के आते हैं, ए में भी ए के लेटर जब देखने होते हैं हमें ए के वर्ड्स देखने होते हैं, ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि क्या ए के साथ डबल ए आ रहा हो, उसके वर्ड मिल जाएंगे, जब डबल ए के ख़त्म हो जाएंगे फिर ए और बी के वर्ड आने शुरू हो जाते हैं, है ना, ऐसे चलता है। तो क्या करोगे कि सबसे पहले इसमें देखो कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो ए इनको पहले सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, डबल ए आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारे आता है जी, फिर उसके बाद आता है हमारे पास आई, फिर उसके बाद आता है हमारे पास एन। तो मैंने कहा भाई कि इस ए को मैंने क्या करा, फिक्स कर दिया, ठीक है, 5 लेटर हैं। मैंने कहा भाई इस ए को फिक्स कर दो, उसको हमने फिक्स कर दिया बिल्कुल, ठीक है। अब ये 4 प्लेसेस हैं और ये 4 लेटर हैं, तो इनसे भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको भरने के तरीके रहेंगे हमारे पास 4, इसको भरने के तरीके रहेंगे 3, फिर इसको भरने के तरीके रहेंगे 2, फिर इसको भरने के तरीके रहेंगे 1, तो 1 × 2 × 3 × 4 इक्वल्स टू कितना होता है 24, तो ये 24 आ जाएगा, तो 24 मीन्स 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना।
तो ए से जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो 24 वर्ड्स बनेंगे हमारे, ठीक है? पांच लेटर है मेरे पास, ए को फिक्स करके वर्ड्स बना दिए 24। अब किसको फिक्स किया जाए? जी को फिक्स कर लो। तो चलो जी को फिक्स किया, ठीक है। तो इन चार ब्लॉक को भरने के कितने तरीके रहेंगे? लेटर्स कितने बचे? जी को हटा दिया, पांच में से एक लेटर गया, बचे कितने? चार, चार फैक्टोरियल। लेकिन ये ए कितनी बार आ रहा है? दो बार आ रहा है, तो अपॉन टू फैक्टोरियल हो जाएगा। मीनिंग कितना आएगा? 24 अपॉन 2 मीन्स 12 वर्ड्स, ठीक है? आप किसको फिक्स करें बोलो? आई को फिक्स, आई को तीन चार पांच, इसको फिक्स कर दिया। तो वही चार ब्लॉक, लेटर्स भी चार, उसमें से ए दो बार आ रहा है, सेम आंसर। बारह वर्ड्स। अब तुम देखो कहां तक पहुंच गए, 24 12 प्लस 12 48 वर्ड्स हमारे अब तक बन चुके हैं। तुम्हें 50th वर्ड की रैंक निकालनी थी इसमें। कौन से वर्ड की निकालनी थी? 58 वर्ड तीर्थ कौन सा होगा? ठीक है, तो उसके लिए अब रह गया 49th वर्ड, उसको देखते हैं क्या करोगे। अगला लेटर हमारा क्या होना चाहिए? आई के बाद एन आना चाहिए, एन को कर लो। एन को करेंगे तो 50 से ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हमें तो ध्यान दो, 50 का जाने दो, लेकिन चाहिए। हमें तो 50th वर्ड पे रोकना है ना क्वेश्चन। अब देखो भाई, एन के बाद क्या आएगा? डबल ए वाले शुरू हो जाएंगे। फिर क्या आएगा हमारे पास? जी आएगा और फिर आई आएगा। तो ये हो गया 49th वर्ड, और लास्ट 50th मुझे बताना ही है। 50th वर्ड क्या रहेगा इसका? NAAIG एन ए ए, और A आई और जी की पोजीशन चेंज हो IG जाएगी। आई यहां दिखाई देगा और जी यहां दिखाई देगा। तो दिस इज योर 50th वर्ड, यही फाइंड आउट करना था, यानी ये आंसर रहेगा। नाइक, अगर सर हाँ इसके सर। बाद भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब आरएन का सवाल इसी क्वेश्चन को लेकर ये है कि अगर हमें कोई ऐसा वर्ड बनाना हो जिसकी रैंक 50th वर्ड से भी आगे आए, और उस वर्ड की अगर हमें रैंक दी हुई हो, तो वो वर्ड कैसे बनाया जाएगा? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने अब तक कैसे कैसे कितने कितने वर्ड बना लिए। तो सबसे पहले हमने ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनाए थे, फिर हमने जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनाए, वो वर्ड हमारे बने 12 वर्ड्स। फिर हमने आई को फिक्स किया था पहले प्लेस पे, तो मीन्स वी हैव मेड द वर्ड विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर आई, वो भी हमारे कितने थे? 12 ही वर्ड्स थे। यानी आई से स्टार्ट होने वाले भी हमारे पास कितने वर्ड्स आए? 12। तो देखते हैं यहाँ तक हमारे कितने वर्ड्स बन गए। तो 4 और 4 8, 2 और 1 3 और 1 4, यानी 48 वर्ड्स हमने अब तक बना लिए। नेक्स्ट लेटर हमारे पास आया था एन, ठीक है? अब एन से स्टार्ट होने वाले भी जो वर्ड बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? ऑफकोर्स 12 बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा वर्ड बनाना चाहते हैं जो 50th वर्ड से आगे आए, तो वो कहीं एन से स्टार्ट होगा वो वर्ड। अब मान लो कि यहाँ हम कहते हैं कि हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसकी रैंक 53 हो, तो वो वर्ड क्या होगा? 53rd रैंक वाला वर्ड क्या बनेगा?
तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एन से जो अगर हम फिक्स कर दें, अगर हम एन को पहले प्लेस पे, तो उससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। यानी हम ये चेक करेंगे कि एन से स्टार्ट होने वाले ये 12 वर्ड्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो वर्ड है वो क्या था, अगेन था। क्या काम करेंगे हम, सबसे पहले एन को फिक्स करेंगे पहले प्लेस पर। ये हमने फिक्स कर दिया। बचे कितने प्लेस, टोटल हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। एक हमने फिक्स कर दिया एन को, 4 प्लेसेस यानी हमें फिल करने हैं। उसमें से भी मेरा ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार दिखाई दे रहा है। तो इसको भरने के कितने तरीके रहेंगे, इनको भरने के रहेंगे हमारे पास 4 factorial upon 2 factorial, बिकॉज ए इज रिपीटेड 2 times ईयर। एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स 24 upon 2 यानी कि 12 वर्ड्स। यानी अब जो 53rd वर्ड होगा वो हमारा कहीं ना कहीं इन्हीं में से ही दिखाई देगा। तो हम एन से स्टार्ट करके ही अब वर्ड बनाएंगे, वो देखते हैं कि कैसे हम 53 वर्ड तक हम पहुंचेंगे। अब सबसे पहले मैं इन लेटर्स को पहले तो अरेंजमेंट दे देता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो डबल ए, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद एन। पहले प्लेस पे हमें एन को ही फिक्स करना है, क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो 48 से आगे ही कहीं ना कहीं दिखाई देगा, 53 वर्ड, ठीक है। अब एन से जो वर्ड्स बनेंगे उसमें भी हम सबसे पहले वो वर्ड्स देखेंगे जो डबल ए से शुरू हो। तो हमने डबल ए को भी फिक्स कर दिया, यानी मेरा ये लेटर फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया। बचे क्या, मेरे पास ये 2 लेटर बचे, तो 2 प्लेस ही है मेरे को भरने के लिए। तो इसको भरने के मेरे पास तरीके रहेंगे 2, इसको भरने के तरीके रहेंगे 1। यानी टोटल जो वर्ड्स बनेंगे उससे बनेंगे 2 वर्ड्स, और वो वर्ड्स हमने पीछे बनाए भी थे। क्या क्या बनाए थे, क्योंकि 48 ये हो गए और 2 वर्ड ये हो गए, तो 50th वर्ड की हमसे रैंक पूछी भी गई थी जो हमारा नेक वर्ड आया था। तो कैसे आया था उसको देख लेते एक बार और। एन डबल ए मेरा फिक्स हो ही गया था। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जी आएगा या पहले आई आएगा, ऑफ कोर्स जी आना चाहिए। तो जी पहले आप भरोगे फिर आई। दिस इज योर 49th वर्ड। अब देखते हैं 50th वर्ड क्या रहेगा इसे। एन और डबल ए को हमने फिक्स करना है, वही 2 प्लेस हैं, ठीक है। भरने के तरीके मेरे पास कितने थे, ये 2 ही तरीके हैं इन 2 प्लेस को भरने के। उसमें से भी हमने जी को पहले फिक्स कर रखा फिर आई को। अब इनकी पोजीशन जो है इंटरचेंज हो जाएगी, आई मेरा यहाँ आ जाएगा और जी मेरा इधर आ जाएगा। तो यानी मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, आई फिर उसके बाद जी। तो यही हमारा 50th वर्ड था। तो 53 जो वर्ड होगा वो ऑफ कोर्स 50 के बाद ही दिखाई देगा। चलो उसके लिए देखते हैं और हम इसको कैसे वर्ड्स बनाएं। इसमें 12 वर्ड्स जो बनाने थे हमें एन से, वो कैसे बनेंगे। अब तक हमने देखो 2 वर्ड्स ऐसे बना लिए जो डबल ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 वर्ड और भी बन सकते हैं यानी एन से स्टार्ट होने वाले, वो देखते हैं। तो 50 तक तो हम पहुँच ही गए, हमें पहुँचना है 53 तक, ताकि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके ऐसे वर्ड बनाने की जिसकी रैंक कितनी हो, 53rd। अब जो वर्ड बनेंगे वो कैसे वर्ड बनेंगे, डबल ए वाले हमारे ख़त्म हो गए, एन फिक्स रखा था, फिर डबल ए वाले हमने वर्ड बना लिए दोनों। यानी अब ऐसे वर्ड बनेंगे जिनमें सिर्फ हमें सिंगल ए दिखाई देगा, है ना। डबल ए के बाद सिंगल ए वाले वर्ड आएंगे। तो बचे मेरे पास कौन कौन से लेटर बचे वो देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से बचे। ये 2 यूज हो गए मेरे, एक तो मेरे पास बचा ए, एक मेरे पास बचा जी और एक मेरे पास बचा आई, और 3 ही प्लेस है मेरे पास भरने के इनके लिए। अब सोचो अगर मैं यहाँ ए को फिक्स करता हूँ इनमें से, तो ये तो वही वर्ड हो जाएंगे जो मैं पहले से
बना चुका हूं, यानी ए इस प्लेस पे नहीं आ सकता, यानी इस प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके रहे, सिर्फ ये दो, ठीक है। तो दो तरीके से मैं इस प्लेस को भर सकता हूं। अब यहां पर मेरा ए आ सकता है, और इसके अलावा इनमें से एक लेटर मैं यहां यूज कर चुका हूं, ठीक है ना। तो तीन में से, इन तीन में से मेरे पास एक लेटर इस्तेमाल हो गया, यहां बचे कितने, दो। तो इस प्लेस को भरने के मेरे पास तरीके रहेंगे दो। फिर इस प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके रहेंगे, क्योंकि दो लेटर मेरे इस्तेमाल हो गए इधर उधर, तीन में से दो इस्तेमाल हो गए, बचेंगे कितना, सिर्फ एक, और वो कोई भी लास्ट वाली बचेगा जो लेटर, वही आएगा। यानी टोटल जो वर्ड्स बनेंगे इससे, टोटल वर्ड बनेंगे चार वर्ड। अब इन चार वर्ड में ही कहीं ना कहीं मेरा 53 रैंक वाला वर्ड भी दिखाई देगा। तो अब हमें इसी पे फोकस करना है, क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट द वर्ड हूज रैंक इज 53rd। तो हमने सबसे पहले एन को फिक्स किया था, फिर हमने ए को फिक्स किया था, बचे क्या लेटर मेरे अगेन के, ए जी और आई। तो मुझे तीन ब्लॉक भरने, क्या यहां पर ए आ सकता है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि अगर ए आ गया तो डबल ए वाले शुरू हो जाएंगे, डबल ए वाले हम पहले बना चुके हैं, तो ए तो यहाँ आएगा नहीं। तो यानी इस ब्लॉक को भरने के मेरे पास कितने तरीके हैं, दो चॉइसेस हैं, या तो जी आएगा या फिर आई आएगा। तो उसमें से भी मैं कह सकता हूं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मेरा जी दिखाई देगा यार, तो हमने जी को भी फिक्स कर दिया। अब बचे ये दो ब्लॉक, इन दो ब्लॉक को भरने के मेरे पास दो तरीके, ए से भर सकते हैं इसे, इस ब्लॉक को, या फिर आई से भर सकते हैं। तो इस ब्लॉक को भरने के मेरे पास तरीके क्या रहे, दो तरीके। अब दो में से, इन दो में से हमने एक इस्तेमाल कर लिया, तो बचा क्या, एक कोई बचा, तो उसको यहाँ भर सकते हैं। तो यानी एन ए जी से जो वर्ड शुरू होंगे वो सिर्फ कितने वर्ड बनेंगे, टू, वो देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। तो उसके लिए अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलें तो पहले ए आएगा, तो ए से इसको भर लेते हैं, देन आई। तो ये रहा हमारा 51st वर्ड। अब उसके बाद देखते हैं अगला वर्ड क्या बनेगा। ठीक है, हमने एन को फिक्स किया, फिर ए को फिक्स किया, फिर हमने जी को भी फिक्स किया था। अब ये दो प्लेस बचे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चले, तो पहले ए लगा चुके, फिर आई, तो अब यहां आना चाहिए आई, फिर ए। तो दिस इज अवर 52nd वर्ड। अब हम उस वर्ड पे पहुंचेंगे जिसकी रैंक कितनी होगी, 53 होगी, वो देखते हैं वो क्या रहेगा। ध्यान से देखना इसे, एन को हमने फिक्स कर दिया, ए को भी फिक्स कर दिया, क्योंकि सिंगल ए वाले हम वर्ड बनाना चाह रहे हैं। अब देखो इन तीनों में से हमने पहले जी को फिक्स किया था, क्योंकि ए तो यहाँ आ ही नहीं सकता, तो हमने जी के दोनों वर्ड्स बना दिए। अब क्या आना चाहिए, ऑफ कोर्स आई, तो आई से इसको फिल करेंगे यहाँ, तो आई को भी हमने फिक्स कर दिया। बचे क्या, ये दो ब्लॉक बचे, ठीक है। अब इन दो ब्लॉक को भरने के क्या क्या तरीके हैं मेरे पास, ए और जी। तो इसको भरने के कितने तरीके रहेंगे, दो, और इसको भरने का एक। टोटल वर्ड कितने बनेंगे, दो। तो उनमें से कहीं ना कहीं मेरा 53 वर्ड होगा, वो देखते हैं ये दो वर्ड कैसे बनेंगे। तो इसके हिसाब से देखो, हमने एन लगा दिया, ए लगा दिया, आई लगा दिया, बचे क्या मेरे पास, ए और जी। तो यहां आना चाहिए ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, फिर आएगा जी। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड वर्ड हूज रैंक इज 53rd।
यही है वो जो बना। इससे आगे भी अगर हम लिख सकते हैं 54th वर्ड को भी लिख लेते हैं, चलो एक बार, ये तो हो गया 53rd वर्ड, चलो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि चार वर्ड बनने थे उसको मैं दिखा रहा हूँ। तो एन ए से स्टार्ट होने वाले 51st वर्ड हमने देख लिया, 52nd देख लिया, 53rd देख लिया, अब देखते हैं 54th वर्ड क्या रहेगा। क्या फिक्स होना था? आई। अब इनकी जो पोजीशन होगी वो चेंज हो जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा तो जी इधर दिखाई देगा, यानी इसको भरने के मेरे पास क्या तरीका रहेगा, जी से हम इसे फिल करेंगे और इसको हम फिल करेंगे ए से। तो दिस इज अवर 54th वर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम जो है रिक्वायर्ड वर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो चाहो तो आप यहाँ पर जो डबल ए वाले थे उसको तो दो बनने ही थे, वहाँ तक पहुँच जाओ, फिर 51 के बाद लेटर्स को अरेंज करते हुए एक एक वर्ड बनाइए और फिर कहीं 53 तक पहुँच जाओगे। तो उस वर्ड की जो रैंक हमें दी थी 53 वर्ड की रैंक देने पर वो वर्ड क्या बनेगा ये पूछा गया था, तो वो ये वर्ड बनेगा। चलो इससे अब आगे देखते हैं कि ये 12 वर्ड जो हम बात कर रहे थे वो कैसे बन सकते हैं, एक बार उसको और देख लेते हैं। हमने सिंगल ए एन और सिंगल ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड बना लिए, लेटर पहले लिख लेते हैं अगेन के, इनको अरेंज भी कर लेते हैं, डबल ए फिर जी फिर आई फिर एन। हमने अभी तक सिंगल ए तक हम पहुंच गए, सिंगल ए को फिक्स करके हमने वर्ड बना लिए, चार बने थे। नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए, क्या फिक्स करें इस प्लेस पर? ऑफकोर्स जी आना चाहिए, तो जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड बनेंगे। अब एन और जी को फिक्स करके जो वर्ड बनेंगे वो देखते हैं क्या क्या बनेंगे। बचे कितने लेटर्स? तीन। कौन कौन से बचे वो लिख लेते हैं, दो तो ए बचे हमारे पास और एक बचा मेरे पास आई। तो यानी इन तीन ब्लॉक्स को भरने के मेरे पास कितने तरीके रहेंगे? 3 factorials, उसमें भी ए मेरा कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो अपॉन 2 factorials मीन्स 6/2 यानी 3 words। नेक्स्ट देखते हैं एन, अब किसको फिक्स करा जाए? अब हम फिक्स करेंगे आई को। तीन ब्लॉक बचे उनको फिल करना है। तीन ब्लॉक के लिए मेरे पास लेटर्स क्या क्या बचे हैं? डबल ए बचा हुआ है, 2 बार ए और 1 बार जी। तो इन तीन को फिल करने के ये 3 letters यानी 3 factorials। 2 बार ए आ ही रहा है अपॉन 2 factorial मीन्स 3 words। तो इस तरीके से टोटल 12 हो गए। कौन कौन सी हुए? ऐसे वर्ड्स जो डबल ए को फिक्स करके बने थे वो हमारे पास 2 वर्ड्स थे। फिर ऐसे वर्ड्स जिसमें हमने एन के बाद ए को फिक्स किया था उससे बने थे टोटल 4 वर्ड्स। फिर उसके बाद हमने ऐसे वर्ड्स निकाले जिसमें हमने एन एन के बाद जी को फिक्स किया था, वो 3 वर्ड्स बने ये वाले। और लास्ट में जो 3 और वर्ड बने वो कौन कौन से बने? एन एन के बाद आई को फिक्स किया था तो उससे जो वर्ड बने 3 और वर्ड बने थे। तो टोटल कितने हो गए? 2 और 4 6, 6 और 3 9 और 3 12। तो अगर कोई 53rd वर्ड के बाद भी अगर पूछा जाता है तो आप 50 तक तो यहाँ पहुँच जाओगे, 54 पे यहाँ पहुँच जाओगे। मान लो तुमसे 56th वर्ड पूछा जाता है तो वो कहाँ मिलेगा? वो इससे स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड मिलेगा, उसके 3 वर्ड ही बनेंगे।
फिर उसमें तुम एक एक करके लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाने की कोशिश करोगे, यानी पहले 55th वर्ड बनाओगे, देन यू विल फाइंड आउट द वर्ड हुज रैंक विल बी 56th. तो इस तरीके से तुम पहुंच सकते, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन.